हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बढ़ा कमाल का होने वाला भाई। अभी तक जो है ह्यूमन के इनपुट आउटपुट चैनल्स के बारे में हम अच्छी खासी जानकारी हासिल कर चुके हैं डिटेल में एग्जांपल के साथ इससे पिछले वीडियो में ही। अब एक और कॉन्सेप्ट, एक और एलिमेंट लेके आ गया हूं इंसान से जुड़ा हुआ, ह्यूमन मेमोरी, जो बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है भाई। अभी ह्यूमन मेमोरी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टॉपिक जो है ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे सब टॉपिक्स है, बहुत सारे नाम्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत बड़ा है भाई ये ह्यूमन मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो भाई इतना तो अपन कवर नहीं कर सकते, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक जितना भी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू HCI परस्पेक्टिव, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। HCI जो भाई हमारा कोर्स चल रहा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, उसके परस्पेक्टिव से हम इस रिस्पेक्टिव टॉपिक को समझने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन मेमोरी काफ़ी आसान है यार समझना। मेमोरी यानी क्या, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन डेटा उसको स्टोर करना है तो मेमोरी में कर सकते हो, बराबर है। आप उसको परमानेंटली स्टोर करना है, टेम्पररी स्टोर करना है, वो अलग बात है, लेकिन डेटा इन्फॉर्मेशन को आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, बराबर। और जब जरूरत पड़ती है, जब रिक्वायरमेंट होती है, जब नीड होती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सकते हो। सो स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेमोरी, और यही दो फंक्शन आप बेसिकली ह्यूमन मेमोरी में भी इंप्लीमेंट होते हुए देख सकते हो। और यहाँ पे इसी मेमोरी के तीन वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में। तो ये है वो तीन वेरिएंट। सेंसरी मेमोरी, कई बार इसे सेंसरी बफर के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कई बार वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, ठीक है। अब इसमें दो शब्द है, एक है सेंसरी, दूसरा है मेमोरी। मेमोरी का तो मतलब हम जान चुके हैं, सेंसरी का क्या मतलब है, सेंसरी मतलब क्या, हमारे सेंसेस, ह्यूमन के सेंसेस। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था तीन मेजर सेंसेस के बारे में, आपकी साइट है आके, हेयरिंग एंड टच, बराबर है, ये तीन मेजर चीज़ें हैं। ओके, तो अभी क्या होता है, ये जो हमारे सेंसेस हैं ये स्टिमुलाय क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक तरीके से जनरेट कर रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, स्टिमुलाय दे रहे हैं। ओके, तो अभी व्हाट दिस सेंसरी मेमोरी इज, दिस सेंसरी मेमोरी इज बेसिकली एक्टिंग एज अ बफर, इट इज सिंपली एक्टिंग एज अ बफर फॉर द स्टिमुलाय विच इज रिसीव फ्रॉम द सेंसेस, एज सिंपल एज दैट। तो ये सेंसरी मेमोरी किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बफर की तरह एक्ट कर रहा है, किसके लिए, उन स्टिमुलाय के लिए जो कि रिसीव हमने किए फ्रॉम द सेंसर्स ऑफ द ह्यूमन, बराबर, सेंसर्स ऑफ द ह्यूमन। अब यहाँ पे एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो हमारे सेंस चैनल्स होते हैं, सेंसिंग चैनल्स होते हैं, ओके, जहाँ से हम सेंस कर रहे हैं, जैसे कि हमारी विजुअल सेंस हो गया, ओके, विजुअल स्टिमुलाय हो गया, हेयरिंग स्टिमुलाय हो गया, हैप्टिक स्टिमुलाय हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे इन सेंसरी चैनल्स पे, यहाँ पे हमारे रिस्पेक्टिव सेंसरी मेमोरी होती है। सो देयर एग्जिस्ट अ सेंसरी मेमोरी फॉर एवरी सेंसरी चैनल, ये बात जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द पॉइंट यू शुड नोट डाउन, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ओके, ये तो एक फैक्ट हो गया। अभी जैसे मैंने बताया कि भैया देयर exist a sensory memory for each sensory channel, तो उसी तरीके से अगर मुझे मेरा अगर visual stimuli है तो उसके लिए मेरे पास iconic memory है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, फॉर विजुअल स्टिमुलाय मेरे पास आइकॉनिक मेमोरी जो है मौजूद है, फॉर स्पेसिफिकली दैट रिस्पेक्टिव स्टिमुलाय। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेयरिंग स्टिमुलाय, तो उसके लिए मेरे पास एकोइक जो मेमोरी है वो अवेलेबल है, वो मौजूद है। उसके बाद अगर मैं टच की बात करूँ तो फॉर दैट रिस्पेक्टिव स्टिमुलाय मेरे पास हैप्टिक मेमोरी मौजूद है। तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस किस रिस्पेक्टिव स्टिमुलाय से जुड़े हुए हैं ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अभी होता क्या है, ये मेरी एक सेंसरी मेमोरी है, सारी शुरुआत यहाँ से हो रही है, बराबर। इसको क्या मिल रहा है, आपका सेंस डेटा एक तरीके से मिल रहा है, एक सेंस इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि यहाँ पे आपके सेंसरी मेमोरी में है स्टोर्ड, बात सही है, बात बराबर है। लेकिन ये क्या होता है ना, इसका नेचर है, ये ओवरराइट कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, ये चेंज हो सकता है टाइम के साथ, नए नए एक्सपीरियंसेस जब मिलते हैं, नए नए स्टिमुलाय जो मिलते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी सेंसरी मेमोरी है उसके अंदर वो ओवरराइट हो सकता है, करेक्ट। अब यहाँ से सेंसरी मेमोरी से हमने बढ़ना है अगले मेमोरी की तरफ, फ्रॉम दिस सेंसरी मेमोरी वी हैव टू मूव टू फर्दर, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी बाय फोकसिंग ऑन दिस वर्ड अटेंशन, बड़ा अटेंशन देना इस शब्द की तरफ जिसका नाम है अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। अटेंशन मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अटेंशन। अब सी, ये जो सेंसरी मेमोरी है एक तरीके से, बहुत सारे आपके सेंसेस वहाँ पे मौजूद होंगे, बराबर, लेकिन मुझे इन सब में से कुछ पर्टिकुलर सेंसेस को ही इंपॉर्टेंस देना है और बाकियों को फिल्टर आउट करना है। तो ये जो फिल्टरिंग है ये आप बाय गिविंग अटेंशन टू रिस्पेक्टिव सेंसेस
इस तरीके से आप फिल्टरिंग जो प्रोसेस है वो कैरी आउट कर सकते हो बराबर। जैसे अगर मैं एक बेसिक आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए बराबर, और आपके हाथ में कुछ चीज़ें दी जाए ओके, और आपको बोला जाए कि सिर्फ आपको इन चीज़ों को टच करना है और आपको गेस करना है कि ये चीज़ें कौन सी हैं, ये कौन सी चीज़ है, तो ये आपके लिए एक टास्क हो गया बराबर। अब आप देख तो नहीं सकते, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, बात सही है। सो आप टच करके पता लगा सकते हो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सी चीज़ है, करेक्ट और नॉट। तो उस वक्त दोस्तों जो आपके टच का स्टिमुलाय होगा, जो आपका जो टच जो सेंस कर पा रहा है वो स्टिमुलाय, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और बाकी जितने भी अलग अलग स्टिमुलाइज होंगे, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स होंगे, स्टिमुलाय होंगे, उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। तो अटेंशन सारा का सारा कहाँ पर होगा, आपके जो टच स्टिमुलाय जनरेट होंगे उनके ऊपर होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ यार, गाड़ी चलाते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या कहावत बोलते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ड्राइविंग करते वक्त नज़र, जो आपका विजुअल सेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है लेकिन विजुअल सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बात बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अटेंशन, एक तरीके से जो माइंड है उसमें बहुत सारे स्टिमुलाय, बहुत सारे थॉट है, हम उसे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक जगह पे, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इकोइक मतलब सुनने की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है करेक्ट और नॉट, और आपको एक टास्क दिया गया है कि भैया कहीं से तो कुछ आवाज़ जनरेट होगा, आपको उसकी डायरेक्शन पता लगानी कि वो आ कहाँ से रहा है, तो आपका ब्लाइंड फोल्ड हो गए, आवाज़ आई, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेंस करना पड़ेगा बराबर, और उसके बेसिस पे आपको पता लगाना पड़ेगा कि आवाज़ आखिर किस डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से, पीछे से आ रही, बात सही है यहां तक। तो यहां पे क्या होगा, जो आपका हेयरिंग स्टिमुलाय होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा फॉर दैट रिस्पेक्टिव इंस्टेंस, फॉर दैट रिस्पेक्टिव पीरियड, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में आप क्या करते हो, किसी एक स्टिमुलाय को ज्यादा क्या करते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, क्यों, बिकॉज वहां पे एक तो आपका इंटरेस्ट होगा या फिर इट विल बी अ नीड ऑफ दैट इंस्टेंस, इसलिए आपको स्टिमुलाय को वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अटेंशन। तो फिर रिस्पेक्टिव फिल्टरिंग करने के बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जाके पहुंचती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है इसको बड़े अच्छी तरीके समझेंगे अगले वीडियो में। हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।